ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर टिहरा में नगर परिषद के उप प्रधान के चुनाव में कमलेश कुमारी फिर से पद पर काबिज हो गई है। ज्ञात रहे कि प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ भाजपा के पार्षदों ने ही अपनी ही सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए थे, लेकिन दोबारा से प्रधान और उप प्रधान पद पर भाजपा काबिज हो गई है, जिसके लिए भाजपा नगर परिषद के पार्षदों ने एकजुट होकर कहा है कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सुजानपुर टिहरा में नगर परिषद के उप प्रधान के चुनाव में कमलेश कुमारी फिर से पद पर काबिज हो गई है। ज्ञात रहे कि प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ भाजपा के पार्षदों ने ही अपनी ही सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए थे, लेकिन दोबारा से प्रधान और उप प्रधान पद पर भाजपा काबिज हो गई है, जिसके लिए भाजपा नगर परिषद के पार्षदों ने एकजुट होकर कहा है कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये बात पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर ने कही। उन्होंने कहा कि रुके हुए कार्य गतिमान होंगे और शहर में चौमुखी विकास करवाया जाएगा, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आशीर्वाद से इन कार्यों को करवाने के लिए आशीर्वाद लिया जाएगा। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद पर भाजपा ने दोबारा से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर काबिज होकर कांग्रेसियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेसियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए हैं। सुजानपुर टिहरा में उपाध्यक्ष के पद के लिए राह आसान नहीं थी, जिसके लिए चुनाव अधिकारी व उपमंडल अधिकारी शिल्पा द्वारा बीते दो दिनों से पंचायती राज चुनाव के अधिनियम के तहत कार्यवाही के तहत कमलेश कुमारी को उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान किया है। ज्ञात रहे कि उप प्रधान के लिए चुनाव प्रक्रिया 19 फरवरी को रखी गई थी, जिसमें से 9 पार्षदों में से 7 पार्षदों का पहुंचना अनिवार्य था, लेकिन कांग्रेस के 4 पार्षदों ने 19 फरवरी को नगर परिषद कार्यालय का रुख नहीं किया, जिसके चलते नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव 20 फरवरी को करवाए गए, जिसके लंबे कागजी कार्यवाही के तहत सुबह 10 बजे से कार्यवाही करते हुए चुनाव अधिकारी शिल्पा विक्टर द्वारा 1 बजे तक कार्यवाही चलती रही। उसके उपरांत ही उपाध्यक्ष पद पर कमलेश कुमारी की जीत हुई है, जिसमें 9 पार्षदों में से 5 पार्षदों ने कमलेश कुमारी के पक्ष में वोट किया है और 4 पार्षदों ने कांग्रेस के खाते में वोट डाले हैं, जिसके कारण ये प्रक्रिया काफी लंबी नजर आई और लंबे संघर्ष के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नगर परिषदों के दोनों ही पार्षद नजर आए हैं। आज हमने 20 फरवरी 2020 को सुबह उपाध्यक्ष नगर परिषद सुजानपुर के लिए चुनाव किया था। इसमें 2 कैंडिडेट्स थे, एक कमलेश कुमार जी, दूसरे दीप कुमार जी। वोटिंग हुई है, जो हमारा प्रोसीजर है एज पर दी MC इलेक्शन रूल्स 2015 और MC एक्ट 1994, उन प्रावधानों के अंतर्गत करवाई गई है वोटिंग। और उसके उपरांत जो हमारे मत थे उनको गिना गया है। 5 मत श्रीमती कमलेश कुमारी के हक में थे, जबकि 4 दीप कुमार जी के। तो कमलेश कुमारी उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित हैं। कमलेश जी को उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ में सभी पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने फिर कमलेश की सहमति जताई है और मुझे उम्मीद है हमारे जो चुने पार्षद, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बने, अब नए सिरे से फिर नई सुजानपुर में नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। जो विकास प्रक्रिया रुकी हुई है और मंडलाध्यक्ष प्रेम कुमार जी मंत्री का, जिन्होंने फिर मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को दोबारा बनाया। धन्यवाद।